Hello friends, welcome back on my channel Learn English with Mandeep. This video is for vocabulary booster. So let's have a dose of vocabulary. First word is terrific. It is an adjective, right? तो इसका पहला मतलब क्या है? इसका first meaning क्या है? Very good, right? For instance, आपसे कोई अगर पूछता है कि मैं कैसी लगती हूँ या मैं कैसा लगता हूँ, तो आप उनको क्या बोलेंगे? You look terrific. आप बहुत अच्छे लगते हो, right? तो second meaning इसका क्या होता है? Very great. It is used to emphasize a great amount or degree of something. किसी भी चीज को अगर आप बड़ा चढ़ाकर बताना चाहते हो, उसकी डिग्री बताना चाहते हो कि वो चीज इतनी ज्यादा अमाउंट में थी, राइट? तो उसको आप उसके लिए आप टेरिफिक यूज कर सकते हो. फॉर इंस्टेंस, द मोटर बाइक ड्रॉव पास्ट एट अ टेरिफिक स्पीड. द मोटर बाइक ड्रॉव पास्ट एट अ टेरिफिक स्पीड. मोटर बाइक बहुत तेज गति से चली गई, ठीक है? तो वो गति बताई है ना कि वो टेरिफिक, राइट? तो वो बहुत तेज गति से चली गई मेरे पास से, ठीक है? सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? शी हैज गॉट अ टेरिफिक अपॉर्चुनिटी. उसे एक शानदार अवसर मिला है. तो देखिए, एक जो डिग्री है या किसी की अमाउंट आपने बतानी है एम्फेसाइज करके, तो उसके लिए जैसे उसको अवसर मिला, पर आप बोल रहे हो उसको शानदार अवसर मिला, ठीक है? उसको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिली है जिसमें उसको बहुत बड़ी ज्यादा अमाउंट में सैलरी मिल रही है, या उसको बहुत बड़ी कंपनी में जॉब मिल रही है, तब वो बोल सकती है ना कि शी हैज गॉट अ टेरिफिक अपॉर्चुनिटी. तो उसको एक शानदार अवसर मिला है, राइट? या फिर इस एग्जाम्पल से हम जानते हैं कि कैसे यूज कर सकते हैं टेरिफिक को. दिस बुक हैज हैड अ टेरिफिक इन्फ्लुएंस ऑन मी. इस पुस्तक का मुझ पर बहुत प्रभाव पड़ा है. तो मैंने एम्फेसाइज किया है ना कि उसका मुझ पर बहुत प्रभाव पड़ा है. तो टेरिफिक जो है इसको गुड वे में यूज करते हैं हम, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड क्या है? एग्नी. एग्नी जो है ये नाउन है. मीनिंग क्या है इसका? एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल पेन. ये जो है ये दर्द के लिए यूज किया जाता है वर्ड. इंटेंस फीलिंग्स ऑफ सफरिंग, ठीक है? फॉर इंस्टेंस, द मेडिसिन रिलीव्स द एग्नी ऑफ मसल क्रैम्प्स वेरी क्विकली. दवा मांसपेशियों में एडन के दर्द को बहुत जल्दी दूर करती है. तो एग्नी क्या है? दर्द, राइट? नेक्स्ट वर्ड क्या है? अमेलियोरेट. अमेलियोरेट एक वर्ब है. मीनिंग क्या है? टू मेक अ बैड और अनप्लेजेंट सिचुएशन बेटर या इम्प्रूव या उसको अमेंड करना. कोई भी अनप्लेजेंट या बैड कोई हालात ऐसे हैं, उनको आप बेटर कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है? पर बिल्कुल जड़ से खत्म नहीं कर सकते, वो अमेलियोरेट है. फॉर इंस्टेंस, अमेलियोरेट योर सिंगिंग बाई टेकिंग अ फ्यू वोकल लेसन्स. सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? इन्वेंशन ऑफ एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक मेडिसिन इज इसेंशियल टू अमेलियोरेट द सिचुएशन ऑफ कोरोना वायरस पेंडेमिक. कोरोना वायरस महामारी की स्थिति को सुधारने, राइट? देखिए, सुधारने के लिए एक प्रभावी एंटीबायोटिक दवा का आविष्कार अवश्य है, ठीक है? तो यहाँ पे नोट मैं क्या करवाना चाहती हूँ आपको, एक वर्ड होता है इरेडिकेट. तो इरेडिकेट जो है और अमेलियोरेट जो है, इनमें क्या डिफरेंस है? देखिए, इरेडिकेट का मतलब क्या होता है? टू गेट रिड ऑफ समथिंग कम्प्लीटली. अपरूट कर देना उस चीज को, वाइप आउट कर देना, बिल्कुल खत्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना कम्प्लीटली. ये कम्प्लीटली खत्म करना किसी चीज को जिससे हम अके पड़े हैं या जो हमें दुख दे रही है, उस चीज को बिल्कुल खत्म कर देना इरेडिकेट होता है. बट अमेलियोरेट जो होता है वो सिचुएशन, बैड सिचुएशन को हम कुछ बेटर कर सकते हैं, उसको अमेलियोरेट बोलते हैं, राइट? तो इरेडिकेट की एग्जांपल क्या है? द डिजीज हैज नाउ बीन सक्सेसफुली इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड. इस बीमारी को अब दुनिया से सफलतापूर्वक मिटा दिया गया है. नेक्स्ट, स्पीयर हेडेड क्या है? ये एक वर्ब है. मीनिंग क्या है? टू लीड समथिंग एज ए कोर्स ऑफ एक्शन. फॉर इंस्टेंस, बलवीर सिंह सीचेवाल इज अ निर्मला सिख
who spearheaded an anti-river pollution campaign in Punjab. बलवीर सिंह सिचेवाल एक निर्मला सिख है जिन्होंने पंजाब में एक नदी विरोधी प्रदूषण अभियान चलाया और इन्होंने अकेले ने इस पर्सन ने ये स्टार्ट किया तो उसको क्या बोलते हैं एज अ लीडर जब स्टार्ट करता है बंदा कोई काम तो उसको स्पीयर हेडेड बोलते हैं ठीक है जी. नेक्स्ट देखिए डेरोगेटरी. डेरोगेटरी क्या है एक एडजेक्टिव है इसका मीनिंग क्या है शोइंग स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल एंड नॉट शोइंग रिस्पेक्ट. आप कुछ पसंद नहीं आया ठीक है मानते हैं पर आपने उस चीज को उसका निरादर किया बड़े दिखावे से कि सबके सामने किया उसको क्या बोलते हैं डेरोगेटरी. फॉर इंस्टेंस रवि मेड सम डेरोगेटरी कमेंट अबाउट हर अपीयरेंस. रवि ने किसी लड़की के लिए वो बात कर रहा है रवि ने उसके रूप के बारे में कुछ अपमानजनक टिप्पणी की. नेक्स्ट क्या है सिक्स्थ क्या है डेवस्टेट. डेवस्टेट रूइन या डिस्ट्रॉय ये क्या है वर्ब. इसका मतलब क्या है इन सबका मतलब क्या है उजाड़ना टू डिस्ट्रॉय अ प्लेस और थिंग कम्प्लीटली कि वो बाद में यूज ही ना की जा सके ठीक है. फॉर इंस्टेंस कॉर्पोरेट डाउनसाइजिंग इन कोरोना पेंडेमिक हैज डेविस्टेटेड एम्प्लॉय मॉरेल. तो यहाँ पे क्या हुआ है कि कोरोना महामारी में कॉर्पोरेट डाउनसाइजिंग ने कर्मचारी मनोबल को तबाह कर दिया है मनोबल कर्मचारियों का बिल्कुल गिर गया है. नोट मीनिंग क्या है मोरल का द अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस फेल्ट बाय अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली व्हेन इन अ डेंजरस और डिफिकल्ट सिचुएशन. ठीक है कोई डेंजरस डिफिकल्ट सिचुएशन में उनका जो कॉन्फिडेंस वो क्या महसूस करते हैं वो कितनी मात्रा में है उसको बोलते हैं मोरल. ठीक है तो ये डेवस्टेट क्या किया है जब कॉर्पोरेट डाउनसाइजिंग जब कंपनियों में क्या किया जाता है कि जब इम्प्लॉयज को निकाला जाता है ना कम किए जाते हैं इम्प्लॉयज जानबूझ के कम किए जाते हैं तो ऑब्वियसली उनका मोरल डाउन हो जाता है कि कभी क्या पता कल मुझे भी ना निकाल दें क्या पता हमें सैलरीज तो कम कर ही रखी है क्या पता हमें निकाल दें कल. ठीक है तो उनका मोरल जो डाउन हो जाता है. ठीक है नेक्स्ट क्या है एक्सक्रूशिएटिंग. एक्सक्रूशिएटिंग एक एडजेक्टिव है मीनिंग क्या है एक्सट्रीमली पेनफुल. फॉर एग्जाम्पल शी इज सफरिंग फ्रॉम एक्सक्रूशिएटिंग पेन इन द लोअर बैक. वह पीठ के निचले हिस्से में कष्टदायी दर्द तो है पर देखो कितना उसको बढ़ा चढ़ा कर बताया कि कष्टदायी दर्द है. एक तो होता है कि सहने योग्य एक है कि बस मार देगा आपको इतना कष्टदायी दर्द है. ठीक है तो ये इस वर्ड को क्या बोलते हैं एक्सक्रूशिएटिंग पेन मतलब एक्सट्रीम पेन हो रहा है उसको राइट. तो जब ये एक्सट्रीम पेन होता है ये जो विशेषता बताई जाती है पेन के बारे में तो तब कुछ हमारी बिहेवियरल रिस्पॉन्स होता है उसको हम भी तो कुछ करेंगे ना. पेन हो रहा है पर्सन तो कुछ तो करेगा ना दिखाएगा ना कि हाँ मेरे को दर्द हो रहा है तो कराहना बोलते हैं उसको ग्रोन. ठीक है ग्रोनिंग राइट. तो ये एक वर्ब है. मैं चाहती हूँ कि इसके साथ आपको इस वर्ड मीनिंग का भी पता चले कि ये कब यूज होता है. ग्रोनिंग का है कराहना टू मेक अ डीप लॉन्ग साउंड शोइंग ग्रेट पेन और अनहैप्पीनेस या टू कंप्लेन और स्पीक अनहैप्पीली लाइक व्हेन द कंप्यूटर क्रैश्ड अगेन ही ग्रोन्ड विद फ्रस्ट्रेशन. ठीक है तो जब कंप्यूटर फिर क्रैश हो गया तो बेचारा फ्रस्ट्रेशन में कराहने लगा कि अरे यार फिर खराब हो गया मेरा काम खराब हो गया लाइक दिस. मतलब कुछ आप ऐसे साउंड के साथ शो करते हो कि आप अनहैप्पी हो राइट. आपका बिहेवियरल रिएक्शन बता देता है कि आप हैप्पी हो या अनहैप्पी हो. नेक्स्ट एग्जांपल क्या है ग्रोन की ही ग्रोन्ड विद पेन बिफोर लूजिंग कॉन्शियसनेस राइट. नेक्स्ट क्या है Exasperate verb है. इसका मतलब है चिढ़ाना गुस्से में लाना. To make someone very annoyed usually when they can do nothing to solve a problem. For instance, her husband's carelessness exasperating her. उसके पति की लापरवाही उसे बहुत परेशान करती है. Next, smirk. Smirk क्या है noun. मीनिंग क्या है नखरे की मुस्कुराहट.
तो देखिए मुस्कुराहट भी कई तरीके की होती है, तो ये नखरे की मुस्कुराहट है। अ स्माइल इन अ वे व्हेन यू बिलीव यू हैव गेन्ड एडवांटेज ओवर अदर्स, आपको लगता है कि मुझे ऐसी बात पता है जो उसको नहीं पता, तो आप हंसते होते हो कि हाँ उसको तो पता ही नहीं क्या चल रहा है, मुझे पता है क्या चल रहा है, ठीक है, लाइक दिस। तो वो हंसी को स्मर्क बोलते हैं। फॉर इंस्टेंस शी लिफ्टेड अ हैंड टू हर माउथ टू हाइड अ स्मर्क, उसने एक मुस्कुराहट कुछ पाने के लिए अपने मुंह पर हाथ रखा। नेक्स्ट है गिगलिंग, गिगलिंग भी हंसी होती है, ठीक है, ये वर्ब है। मीनिंग टू लाफ रिपीटेडली इन अ क्वाइट बट अनकंट्रोल्ड वे, ऑफन एट समथिंग सिली और रूड और व्हेन यू आर नर्वस। फॉर इंस्टेंस स्टॉप दैट गिगलिंग इन द बैक, पीछे बैठकर हंसना बंद करो। तो कौन हंसते हैं पीछे बैठकर, जैसे बच्चे क्लास में हंसते हैं, ऐसे सिली बातों पे हंस रहे होते हो, ठीक है, तो टीचर क्या बोल रहा है, स्टॉप दैट गिगलिंग इन द बैक। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, वी गिगल्ड एट द बैक ऑफ द रूम लाइक नॉटी स्कूल चिल्ड्रन, हम शरारती स्कूली बच्चों की तरह कमरे के पीछे दांत निकाल रहे थे। नेक्स्ट है फेलिसिटेट, फेलिसिटेट मतलब सम्मानित करना, अभिनंदन करना, एक्सप्रेस कॉन्ग्रेचुलेशंस। द चीफ गेस्ट वॉज फेलिसिटेटेड विद फ्लावर्स, मुख्य अतिथि को फूल देकर सम्मानित किया गया, तो सम्मान करना को क्या बोलते हैं, फेलिसिटेट। नेक्स्ट क्या है मैमथ, ह्यूज जेंट, तो इसका मतलब क्या है, समथिंग इमेंस ऑफ इट्स काइंड, कोई चीज जो अपने आप में बहुत बड़ी है, इमेंस है। फॉर इंस्टेंस क्लीनिंग अप द सिटी वाइड मेस इज गोइंग टू बी अ मैमथ टास्क, शहर की गंदगी को साफ करना एक बहुत बड़ा काम है, तो वो मैमथ प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, बहुत बड़ी, राइट, अपने आप में बहुत बड़ी। तो प्रोडिजियस क्या है, ये भी सेम ही रहता है मीनिंग इसका, मीनिंग सो ग्रेट इन साइज और फोर्स और एक्सटेंट एज टू एलिसिट ओ, अद्भुत, अमेजिंग, एक्सेप्शनल, इमेंस, अपने आप में बहुत अद्भुत है और अपने आप में साइज में बहुत ज्यादा भी है, तो ये सिमिलर मीनिंग हो गया, मैमथ का ही सिमिलर है, ये सिनोनिम ही बोल सकते हो आप। फॉर इंस्टेंस शी रॉट अ ट्रूली प्रोडिजियस नंबर ऑफ बुक्स, उसने सही मायने में बहुत सी किताबें लिखी कि हमें लग रहा है कि यार उसने एक्सेप्शनल काम कर दिया कि इतनी ज्यादा पुस्तकें लिख दी हैं उसने, अद्भुत काम किया है। 14th क्या है एमेच्योर, एमेच्योर मतलब अनुभवहीन व्यवसायी, कोई काम तो कर रहा है बंदा पर वो प्रोफेशनली नहीं कर रहा, शौक से कर रहा है, अभी एज अ बिगनर ही कर रहा है, उसको प्रोफेशनली कुछ भी नहीं आ रहा आता और उसको पेमेंट भी नहीं मिल रही उस चीज की। पर्सन हु एंगेजेस इन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी विदाउट परसुइंग इट प्रोफेशनली, फॉर इंस्टेंस इवन दो आई एम एन अमेच्योर सिंगर आई होप टू मेक अ करियर आउट ऑफ इट वन डे, भले ही मैं एक शौकिया गायक हूँ लेकिन मुझे एक दिन इससे करियर बनाने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्रैकर जैक, फाइव स्टार, एडमायरेबल, इसको नाउन बोलते हैं, मीनिंग क्या है एक्सीलेंट और ऑफ हाईएस्ट स्टैंडर्ड, समथिंग और समवन एक्सीलेंट ऑफ इट्स काइंड, मतलब बेस्ट, मतलब अपने आप में वो सबसे बेस्ट है। अगर कोई सर्जन है आईज का, जैसे मैं इसमें एग्जांपल दी है कि ही इज ए क्रैकर जैक आई सर्जन तो है बट अपने फील्ड में वो बहुत बेस्ट पर्सन है, बेस्ट सर्जन है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ही इज अ क्रैकर जैक आई सर्जन। तो ये एक ये फर्स्ट वाला एग्जांपल क्या है, टाइटैनिक इज अ टेरिफिक फिल्म विद अ क्रैकर जैक कास्ट, टाइटैनिक एक शानदार फिल्म है जिसमें असाधारण रूप से अच्छी या बढ़िया कास्ट है। नेक्स्ट एमिनेंट, तो एमिनेंट क्या है, ये भी एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग क्या है, फेमस एंड इम्पोर्टेंट। फॉर इंस्टेंस द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ 15 एमिनेंट पॉलिटिकल फिगर्स, अभियान में 15 प्रख्यात राजनीतिक हस्तियां शामिल थीं। एमिनेंट क्या है, कोई फेमस लोग जो कि बड़े नोटिसेबल लोग हैं, अगर वो खड़े होंगे, जैसे अमिताभ बच्चन खड़ा है मान लो पॉलिटिशियंस के अंदर, तो हम उसको पहचानते हैं ना, ये एमिनेंट पर्सन है, लाइक दैट। तो 17th क्या है, स्वाब, एलिगेंट, कर्टियस, मैनरली, तो इसका मतलब क्या होता है, शिष्ट, विनम्र। 18th क्या है, डेफरेंशियल, हम्बल, मॉडेस्ट, मतलब लिहाज भरा या श्रद्धा सूचक। फॉर इंस्टेंस ऑल द वेटर्स वर स्वाफ एंड डेफरेंशियल, सभी वेटर्स शिष्ट और लिहाज भरे थे। तो देखिए इनका मतलब एक ही रहता है, तो इसीलिए मैंने दोनों को एक ही एग्जांपल में बताया है। तो आई होप यू लाइक द वीडियोज, ऑल वर्ड्स आर वंडरफुल, प्लीज यूज देम इन योर वोकैबुलरी, इन योर कन्वर्सेशन।
and I hope this video